ये कहानी है एक गांव की। एक गांव में एक पागल रहता था और लोग उसे पागल कह के बुलाते थे और ऐसा सोचते थे, समझते थे, या लोगों में ऐसी भावना थी। और लोग एक दूसरे से कहते थे कि वो पागल जब भी नाचता है तो बारिश हो जाती है। और इस स्थिति को देख करके लोग उसे पागल तो समझते थे, पर कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये विश्वास, अंधविश्वास हो गया था कि ये पागल जब नाचता है तो बारिश हो जाती है। तो किसानों को गांव में जब कभी भी बारिश की आवश्यकता होती थी, बारिश की ज़रूरत पड़ती थी, वो सभी मिलकर के उस पागल को बुलाते थे और उसे नाचने को कहते थे। पागल नाचता था और सचमुच बारिश हो जाती थी। एक बार उसी गांव में शहर से चार लड़के गए और वहां पहुंचने पर उन चारों ने भी वही सुना कि इस गांव में एक पागल है जो नाचता है तो बारिश हो जाती है। ऐसा देखकर, ऐसा सुनकर उन चार लड़कों ने पहले तो बहुत सोचा और उसके बाद वो हंस पड़े कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पागल के नाचने से बारिश हो जाती है। वो चारों लड़के बोलते हैं कि ऐसा तो हम भी कर सकते हैं, हम भी नाचेंगे तो बारिश हो जाएगी। सभी गांव वाले जुट जाते हैं और उस पागल को भी बुलाया जाता है। वो चारों लड़के नाचना शुरू करते हैं, नृत्य शुरू करते हैं और इस उम्मीद में लोग रहते हैं कि बारिश होगी। नाचते नाचते चारों में से एक लड़का थक कर बैठ जाता है, धीरे धीरे दूसरा भी थक जाता है, तीसरा भी थक जाता है और चौथा भी थक जाता है नाचते नाचते, लेकिन फिर भी बारिश नहीं होती। फिर गांव वाले उस पागल को कहते हैं कि वो नृत्य करे और नृत्य करके दिखाए कि उसके नृत्य करने से बारिश होती है। पागल नाचता है और थोड़ी देर बाद बादल गरजते हैं और बारिश हो जाती है। वो चारों लड़के उस पागल से पूछते हैं कि ऐसा कैसे होता है कि आपके नाचने से बादल गरजने लगते हैं, बारिश हो जाती है। तो वो पागल कहता है कि मैं सिर्फ दो चीज़ें जानता हूँ नाचते वक्त। पहला तो ये कि मुझे खुद पर बहुत ज़्यादा विश्वास होता है कि मैं जब भी नाचूंगा बारिश होगी ही होगी, और दूसरी मैं तब तक नाचता रहता हूँ जब तक कि बारिश ना हो जाए। तो इस कहानी से हमें भी ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी खुद पर से विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा किसी भी स्थिति परिस्थिति में अपने आप पर विश्वास बनाए रखना चाहिए और मेहनत तब तक, काम को तब तक करना चाहिए जब तक कि हमें उस काम में सफलता हासिल ना हो जाए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।